नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, संजीवनी केस का हम जिक्र इस वीडियो में करने जा रहे हैं, क्योंकि इस केस में जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको बड़ी राहत मिली है। और इस केस में जो SOG है उसको बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि SOG को हाईकोर्ट से फटकार संजीवनी केस में लगी है और गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में राजस्थान की हाईकोर्ट ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को फटकार लगाते हुए चार्जशीट फाइल करने पर रोक लगा दी है। जहां इस केस में जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली, तो वहीं राजस्थान सरकार को भी तगड़ा झटका इस मामले पर लगा है। शुक्रवार को दरअसल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले की। शेखावत की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं VR बाजवा, उन्होंने पैरवी की और कहा कि SOG ने 2019 अगस्त में ये केस दर्ज किया था। SOG ने 4.5 साल बाद भी अपनी जांच को पूरा नहीं किया है, यानी कि 4.5 साल इस पूरे केस को हो गए हैं। SOG ने 2019 अगस्त में मामला दर्ज किया था, लेकिन अभी तक इसकी जाँच जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य सरकार शेखावत को गलत तरीके से फंसाना चाहती है। ये आरोप उनकी ओर से कोर्ट के अंदर लगाए गए। अब SOG ने कभी गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, ना ही पूर्व में दायर चार्जशीटों में कहीं शेखावत का नाम अभियुक्तों में शामिल किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर शेखावत की संजीवनी केस में संलिप्तता थी तो SOG ने 4 साल में कोई नोटिस आखिर उनको क्यों नहीं दिया है। अगर वो उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको नोटिस भी मिलना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 2020 फरवरी में चार्जशीट फाइल करने के 3 साल के बाद फरवरी 2023 में दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जबकि उसमें शेखावत या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं था। तो इस बात पर फोकस जो उनके अधिवक्ता हैं उनकी ओर से किया गया, और ये बताया गया कि कोर्ट ने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की है कि अगर इसमें इन अभियुक्तों में ये जो भी नाम है इनमें गजेंद्र शेखावत या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का नाम शामिल क्यों नहीं है, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया, उनको पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है। तो ये पूरा केस चला और साफ तौर पर ये आरोप लगाए शेखावत की तरफ से कि उनको फंसाने की कोशिश इस पूरे मामले पर की गई है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।